Good afternoon, student. Today we will start third chapter. Okay, class 6 ka chapter 3rd hai, fiber to fabric. Okay, fiber to fabric. Fabric ek baar hum study kar lete hain. Fabric kya hota hai? Koi bhi piece of cloth, koi bhi jo tukda hota hai aapke kapdon ka, usko bolte hain hum fabric. आपने देखा है जो आपका आपके जो क्लॉथ होते हैं वो क्या होते हैं, पतले पतले थ्रेड से मिलकर बने होते हैं. क्लियर? तो अब मैंने क्या किया है, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो मैंने इस क्लॉथ में से एक थ्रेड निकाल लिया है. क्लियर? तो जो ये थ्रेड है आपका, ओके, आप देखोगे कि फर्दर और भी इसमें बहुत सारे पतले पतले थ्रेड्स हैं. ठीक है, ये पीस ऑफ क्लॉथ था, उसमें से मैंने एक थ्रेड निकाला और वो देखा कि फर्दर ये भी बहुत सारे पतले पतले थ्रेड्स में डिवाइड हो सकता है. ओके, तो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं क्या है. तो फर्स्ट होता है आपका फाइबर. फाइबर आपके कंबाइन होके बनाते हैं यार्न, और यार्न कंबाइन होके बनाते हैं आपके फैब्रिक. क्लियर? फाइबर कंबाइन टू फॉर्म यार्न्स एंड यार्न्स कंबाइन टू फॉर्म फैब्रिक. क्लियर? फाइबर क्या है आपका, जो थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं आपके, थिनर स्ट्रैंड्स, जो पतले पतले धागे होते हैं आपके. क्लियर? जो थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं जिनसे आपका फैब्रिक बनता है वो क्या है, फाइबर. ये थिनर है मतलब बहुत ज़्यादा पतले, और ये कैसे होंगे, इनसे थोड़े से मोटे, इनको कंबाइन करके जो बनाएंगे तो ये क्या होंगे, थिन स्ट्रैंड्स. ठीक है, ये कैसे हैं, थिनर, और ये क्या है, थिन स्ट्रैंड्स. और फैब्रिक क्या होता है आपका, पीस ऑफ क्लॉथ. क्लियर? जो भी आप ड्रेस वगैरह देखते हो, आपकी कोई भी जो भी हम कपड़े देखते हैं वो सब आपके फैब्रिक में आते हैं. क्लियर? अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर. टाइप्स ऑफ फाइबर हम स्टडी करते हैं. टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं टू टाइप्स के. ओके, टू टाइप्स में कौन से हैं, नेचुरल फाइबर. क्लियर? एंड सेकेंड वन इज मैनमेड फाइबर. मैनमेड फाइबर बोल सकते हैं हम, और अदर नेम है इनका सिंथेटिक फाइबर. और क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर. क्लियर? तो हमारे जो फाइबर हैं वो कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स, नेचुरल एंड, इनमें से आप कोई भी नेम अभी लर्न कर सकते हैं, मैनमेड, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल. बट आपको पता होना चाहिए कि मैनमेड फाइबर का अदर नेम क्या है, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर. अब हम देखते हैं नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं. नेम से इंडिकेट हो रहा है आपको, नेचुरल मतलब जो आपको नेचर से मिलते हैं. दोज फाइबर्स विच आर obtained from nature, जो आपको नेचर से मिलते हैं. क्लियर? अभी आप देखना कौन कौन से फाइबर हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. क्लियर? तो नेचर में आपकी क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, नेचर में आप बताएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर? तो क्या है आपके नेचुरल फाइबर, दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, या फिर आप बोल सकते हैं दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. वूल तो आप सबको पता है, आप सबने देखा भी है, कॉटन भी आप सबने देखी हुई है. जूट और सिल्क, अभी आप छोटे हैं तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जूट से आपके सैक बैग्स बनते हैं. ओके, ओके, अब पढ़ते हैं मैनमेड फाइबर्स. अब जो फाइबर आपको नेचर से ऑब्टेन हुए वो नेचुरल, और जो नेचर से नहीं होंगे वो कैसे होंगे, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, मैनमेड. ओके,
those fibers which are not obtained from nature, जो आपको नेचर से ऑब्टेन नहीं होते वो कौन कौन से हैं, नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, क्लियर? अभी आप यही एग्जांपल लर्न कर लें, ओके? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर क्या है, सबसे पतले वाले धागे जिनसे वो बना होता है, जैसे कॉटन लेते हैं आप, कॉटन देखिए, कॉटन को इस तरह से अगर आप स्पिन करते हैं, उसको रोल करते हैं, तो उससे आप क्या बनाते हैं, आप उससे पूजा करने के लिए अपने दिए वाली बातें बना लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या हो गया, यार्न। और ऐसे ही बहुत सारे यार्न्स को कंबाइन करके हमारा फैब्रिक बनता है, जो कॉटन क्लोथ्स आप पहनते हैं, ओके? तो पहले क्या होता है, फाइबर, फाइबर से बनते हैं यार्न्स, यार्न से बनते हैं फैब्रिक। फर्दर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर। टू टाइप्स ऑफ फाइबर है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, और आर्टिफिशियल जो नेचर से नहीं होते, क्लियर? ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्यूरी देन यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।